हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू यस्टरडे वी लर्न वी रीड थर्ड सेकेंड चैप्टर द स्टिकी आइज सो एंड टुडे वी विल रीड द नेक्स्ट चैप्टर द इपोक्सी आइज ओके सो व्हाट इज़ द डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन ईपोक्सी एंड स्टिकी आइज़ ओके सो स्टिकी आइज में हमारा मेन ये था कि मीन्स हमें अपना आई वी हैव टू कीप आई कॉन्टैक्ट ठीक है बट इसमें क्या है ईपोक्सी आइज इसमें हमारे पास ईपोक्सी मीन्स हमारे पास यहाँ पे तीन पॉइंट निकलते हैं फर्स्ट वन इज़ मतलब हमारे यहाँ पे मेन थ्री पॉइंट्स होते हैं जैसे कि एपोक्सी मतलब तो फर्स्ट होता है आपको मतलब अपने ऊपर ध्यान देना है यू मतलब फर्स्ट पर्सन आप होंगे सेकेंड होगा कि आपका टारगेट क्या है एंड थर्ड जो अदर पर्सन होगा ओके okay. सो so, उसमें ये हम नॉर्मली ये करते हैं कि मतलब जैसे हम बात हैं किसी आ, मतलब हम बात करते हैं अपने दोस्तों वगैरह से तो हमारा मेन ये होता है कि कौन बात मतलब कौन बोल रहा है ठीक है बट इसमें हमारा मतलब क्या है तीन हमारे पास पॉइंट्स यू योर टारगेट एंड अदर पर्सन मीन्स यू हैव टू आई कॉन्टेक्ट ऑन द ऑन योर टारगेट ओके नोट द स्पीकर मीन्स यू योर मेन टारगेट इज़ यू आर लाइक टारगेट तो हमारे पा यहाँ पर मतलब आई कांटेक्ट ये नहीं है कि स्पीकर के ऊपर रखना है ये आपका ध्यान होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है उसके ऊपर लिसनर पे आपको ध्यान देना है ठीक है तो यहाँ पे हमारा मेन यही था कि लाइक आई कांटेक्ट रखना है बट किसके ऊपर जिसके uh, जो अपना जो आपका टारगेट है उसको कंप्लीट करने के लिए ओके okay. एंड एक चीज़ और थी यहाँ पर मतलब कि uh, हमें आई कांटेक्ट पब्लिक प्लेस में नहीं रख नहीं रखना चाहिए लाइक फॉर द स्ट्रेंजर्स ओके सो इट कुड बी मतलब गेट रोंग समाइम्स सो यू कुड बी गेट अरेस्टेड ओके सो या दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर द आई आइज आईज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय